इस बार करवा चौथ का व्रत एतवार 20 अक्टूबर 2024 नूं रख्या जाएगा। इस दिन व्योता औरतां अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखदियां ने, पर बिना पानी पीतियां व्रत रखने नाल शरीर दे विच कमजोरी आ जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। अजिही स्थिति दे विच अज असीं तुहानूं दस्सांगे कि तुसीं बिना पानी पीतियां खुद नूं किवें हाइड्रेट रख सकते हो अते दिन भर ऊर्जावान किवें रह सकते हो। इस लई तुहानूं व्रत रखने तों पहलां कुछ चीज़ां करनियां पैणगियां, आओ तुहानूं दस्सदे हां। सब तो पहला, जेकर तुसीं सवेरे उठ के करवा चौथ तो पहला सरगी करदे हो तां व्रत शुरू करन तों पहला नारियल पानी का सेवन जरूर करो। एक नैचुरल इलैक्ट्रोलाइट्स हुंदा है जो दिन भर शरीर दे विच हाइड्रेशन बनाए रखने दे विच मदद करता है। इस नाल तुसीं करवा चौथ दे व्रत तों पहला नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हो। यह होममेड इलैक्ट्रोलाइट ड्रिंक तुहाडे शरीर नूं डिहाइड्रेट होने तों बचाउंदा है। तुसीं इस विच एक चुटकी नमक अते चीनी भी मिला सकते हो। इस नाल शरीर नूं ऊर्जा मिलती रहेगी। यह तो सब नूं पता है कि चाह ते कॉफी पीण दे नाल शरीर दे विच डिहाइड्रेशन हो सकती है। अजिही स्थिति दे विच करवा चौथ दा व्रत शुरू करन तों पहला तुसीं कैमोमाइल जां पुदीने दे चाह पी के अपने आप नूं हाइड्रेट कर सकते हो। इस नाल ही व्रत रखन तों पहला अपने आप ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੀਰਾ ਸੰਤਰਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਿਟੌਕਸ ਡਰਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੈਫੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।